नए साल का जश्न शुरू हो चुका है और इस जश्न के साथ ही धरपकड़ की मुहिम भी शुरू हो गई है। नए साल के मौके पर राज्य आबकारी विभाग अवैध शराब बेचने वालों पर पैनी नजर रख रहा है। ग्रामीण भागों के अलावा ग्रामीण साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी इस ओर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नए साल के स्वागत का आगाज होते ही शराब और शबाब दोनों मनुष्य के साथ साथ चलते हैं, लेकिन साथ ही शहर में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए स्टेट प्रोडक्शन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। विभाग की ओर से पूरे जिले में कार्रवाई के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। मध्य प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। एक महीने में ही विभाग ने 212 अभियान चलाकर 178 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12,06,617 रुपए मूल्य का सामान जब्त किया है। राज्य आबकारी विभाग का इरादा इस साल नए साल के अवसर पर अधिक से अधिक शराब बेचने वालों पर नकेल कसने का है। नागपुर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे एकूण 8 पथके तैयार करण्यात आलेली आहे। त्या पथकांना वेगवेगळा क्षेत्र वाटून दिलेला आहे। त्या ठिकाणी दिनांक 28 डिसेंबरपासून ते सगळे पथके सतत कार्यरत आहे आणि ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचा काही गैर व्यवसाय आढळत असेल त्यावरती त्यांनी गुन्हे नोंदवायची कारवाई केलेली आहे। त्याचप्रकारे आपला जिल्हा हा मध्य प्रदेशातून लागून असल्या कारणाने मध्य प्रदेशातून येणारे जे रस्ते आहे अशा 4 रस्त्यावरती आपण तात्पुरती चेकपोस्ट उभारलेली आहे। त्यामध्ये चोरकैरी नाका, खुर्सापार, केडवद आणि शिरोंजी बडेगाव याचा समावेश आहे। याशिवाय एक आमची स्थायी चेकपोस्ट आहे कांद्रीमध्ये। अशा एकूण 5 चेकपोस्टमध्ये 24/7 प्रमाणे कामकाज सुरू आहे। वाहन तपासणी सुरू आहे, संशयित वाहन तपासणी सुरू आहे। त्याचप्रमाणे 1 डिसेंबर ते 30 डिसेंबरपर्यंत आमच्या अधिकाऱ्यांनी एकूण 212 गुन्ह्याची नोंद केलेली आहे। यामध्ये 178 लोकांना अटक करण्यात आली असून 12,06,617 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। नववर्ष निमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी जे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणारे आहे या कार्यक्रमासाठी आजपर्यंत आम्ही 50 ठिकाणी 1-दिवसीय परवाना दिलेले आहे, म्हणजे त्यांचे अर्ज आलेले आहे, त्यांना आम्ही आता देतो आहे। तर 1-दिवसीय परवान्याच्या खाली पूर्ण जिल्ह्यात एकूण 50 ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित होणार आहे। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।